सन 1964 में सबसे विचलित करने वाले शार्क हमले की फुटेज बनाई गई थी और बाद में दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा देखी गई। हेनरी बोरिस एक अंडरवाटर फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री निर्माता थे जो ऑस्ट्रेलिया के तट से एक दूरस्थ द्वीप पर एक अभियान पर गए थे जो पहली बार सील्स की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी का घर था। लेकिन हेनरी ने यह महसूस नहीं किया कि जहां सील्स होती हैं वहां शार्क भी होते हैं। इस मामले में एक ग्रेट व्हाइट शार्क जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बिग बेन के नाम से जाना जाता था। हेनरी पानी में गोता लगाया और कुछ सील्स की फिल्मिंग की लेकिन अचानक सभी सील्स गायब हो गए। इसे अजीब पाते हुए उन्होंने बाहर आने का निश्चय किया लेकिन तुरंत ही कुख्यात बिग बेन ने हमला कर दिया। शार्क ने हेनरी की बाईं टांग को पकड़ लिया और उसे इतना हिलाया जब तक कि वह पूरी तरह से उसे फाड़ नहीं दिया। हेनरी के चालक दल ने उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, धातु की मछली पकड़ने वाली भालों से सशस्त्र। शार्क ने कम से कम 5 बार हेनरी को खत्म करने के लिए वापस आने का प्रयास किया। हेनरी को नाव पर वापस लाया गया और तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां वे मुश्किल से बचे।